दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुल्ली और ग्रेवियर्ड हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरे तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि बुल्ली और सोन उस चुड़ैल को कब्र के अंदर से निकलता देख लेते हैं। वो चुड़ैल डिलीवरी बॉय के लाश को लेकर उसी कब्र के अंदर चली जाती है और मौका मिलते ही बुल्ली और सोन उस कब्र के ढक्कन को बंद कर ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख देते हैं। और इधर गुल्ली भी कब्रिस्तान के बाहर आकर के बुल्ली और सोन को आवाज लगाने लगता है। बुल्ली और सोन गुल्ली के पास जाकर कर बातचीत कर रहे होते हैं। इतनी देर में वो चुड़ैल कब्र से बाहर आ जाती है। और अब आगे देखिए, सोन बोलता है, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? पीछे देखो, पीछे, पीछे तो देखो। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। और फिर ये चुड़ैल बुल्ली और सोन पर छलांग लगा देती है। बुल्ली और सोन तो किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन ये चुड़ैल तो अब गुल्ली को घूर रही है। लगता है कि अब ये चुड़ैल गुल्ली को अपना शिकार बनाने वाली है। फिर ये चुड़ैल कब्रिस्तान के गेट के ऊपर से चढ़ करके गुल्ली के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन बुल्ली और सोन तो पीछे से चुड़ैल के दोनों पैरों को पकड़ चुके हैं। बुल्ली बोलता है, तुम हमारे होते हुए मेरे दोस्त गुल्ली को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सोन बोलता, गुल्ली यहाँ से भाग जाओ और जल्दी से बाबा को बुला कर लेकर आओ, तब तक हम दोनों इस चुड़ैल को संभालते हैं। सोन बोलता, गुल्ली हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी यहाँ से भागो। बुल्ली झट से उठता है और स्कूटर पर जाकर बैठ जाता है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली और सोन तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं बस थोड़ी ही देर में बाबा को बुलाकर यहाँ पर लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर गुल्ली स्कूटर लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब लगता है कि बुल्ली और सोन के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। और इधर गुल्ली फुल स्पीड में बाबा के पास जा रहा है। गुल्ली बोलता है, पता नहीं बाबा इस वक्त घर पर होंगे भी या नहीं, अगर बाबा नहीं होंगे तो बुल्ली और सोन का क्या होगा। और फिर थोड़ी ही देर में गुल्ली बाबा के घर के पास पहुंच जाता है, लेकिन बाबा तो कहीं दिख ही नहीं रहे। गुल्ली ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। गुल्ली बोलता, मुझे माफ कर देना बुल्ली और सोन, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और इतना बोलकर गुल्ली खूब रोने लगता है। तभी पीछे से कोई गुल्ली को आवाज लगाता है। गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है, अरे ये क्या, ये तो बाबा है। बाबा को देखकर गुल्ली काफी खुश हो जाता है। गुल्ली बोलता, बाबा मुझे आपकी मदद चाहिए, बुल्ली और सोन की जान खतरे में है। बाबा बोलते हैं, तुम्हें और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है गुल्ली, मुझे सब कुछ पता है। गुल्ली बोलता, तो चलिए बाबा वरना देर हो जाएगी। बाबा बोलते, थोड़ी देर रुको, मुझे तैयारी करने दो। और फिर बाबा बड़े बड़े डंबल उठाकर एक्सरसाइज करने लगते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद बाबा बोलते, चलो गुल्ली अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अब उस चुड़ैल को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर बाबा और गुल्ली सोन और गुल्ली को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। गुल्ली बोलता, बाबा स्कूटर थोड़ा धीरे चलाइए, आपकी उम्र हो चुकी है, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। गुल्ली की बात सुनकर बाबा स्कूटर को और तेज कर देते हैं और कब्रिस्तान का दरवाजा तोड़कर सीधे कब्रिस्तान के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद बाबा देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाबा बोलते, गुल्ली यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली बोलता, बाबा हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। और फिर दोनों बाइक से उतरकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस चुड़ैल की नजर तो बाबा और गुल्ली पर ही है। तभी गुल्ली को पीछे से कुछ आवाज आती है। और इधर बाबा अकेले ही सीधे चले जा रहे हैं। बाबा बोलते, गुल्ली मुझे यहाँ तो आगे तक सोन और गुल्ली नहीं दिखाई दे रहे। और इतना बोलकर जब बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे गुल्ली होता ही नहीं है। बाबा बोलते हैं, आखिरकार ये गुल्ली कहाँ चला गया? लगता है कि गुल्ली भी बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है, मुझे जल्दी से गुल्ली को खोजना होगा। और फिर बाबा दौड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बाबा उस चुड़ैल को गुल्ली को घसीटते हुए देख लेते हैं। बाबा बोलते हैं, तू जो कोई भी हो लेकिन आज तुम मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। और फिर बाबा उस चुड़ैल की तरफ दौड़ लगा देते हैं।
और जब बाबा घर के पीछे जाकर देखते हैं तो वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो चुकी होती है और गुल्ली भी यहाँ पर नहीं होता है। बाबा बोलते हैं इतनी जल्दी आखिरकार ये चुड़ैल जा कहाँ सकती है, लेकिन शायद बाबा को पता नहीं है कि चुड़ैल का अगला शिकार बाबा ही है। और फिर वो चुड़ैल बाबा पर छत से छलांग लगा देती है। लेकिन अब इस चुड़ैल ने बाबा को गुस्सा दिला दिया है और दोनों में मारपीट चालू हो जाती है। और इधर गुल्ली बुली और सोन भी होश में आ जाते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो बाबा तो उस चुड़ैल की धुलाई कर रहे हैं। चुड़ैल को पीटता देखकर सोन जोर जोर से उछल कर चिल्लाने लगता है, बाबा बाबा गरम कर दो तावा। और फिर बाबा उस चुड़ैल को मारने के बाद पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। गुल्ली बुली सोन बाबा का इशारा समझ जाते हैं कि अब बाबा क्या करने वाले हैं। तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चलो ना बाबा तुम्हारी मरम्मत करेंगे। और फिर गुल्ली बुली और सोन उस चुड़ैल को अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। और फिर गुल्ली बाबा की तरफ इशारा करता है और बाबा स्मैक लगा देते हैं। सारे लोग उस चुड़ैल की ऐसी हाल को देखकर काफी खुश होते हैं। और फिर बाबा उस चुड़ैल को एक जोरदार लात मारते हैं जिससे कि वो चुड़ैल दोबारा कब्र के अंदर चली जाती है। गुल्ली बोलता तो चलिए बाबा हम लोग सारे कोई मिलकर पिज्जा खाते हैं और मैंने आपके लिए घर पर पीने का इंतजाम भी रखा हुआ है। पीने का नाम सुनकर बाबा होंठ उधेड़ कर गधे की तरह हंसने लगते हैं। और फिर सारे लोग बाइक में बैठकर वहां से घर चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं इस वीडियो के नीचे, अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।